પર્યાવરણ બચાવવાની લોક જાગૃતિનો સંદેશ આપવા માટે સૌથી લાંબી સાયકલ યાત્રાએ નીકળેલ રાજસ્થાનનો 24 વર્ષીય યુવક ગઈકાલે રાતે રાજકોટ પહોંચ્યો હતો, જ્યાં લોટસ હોટલ ખાતે પ્રકાશસિંહ, ભરતસિંહ, વિનોદસિંહ, પ્રવીણસિંહ તથા રાજપુરોહિત સમાજ રાજકોટ દ્વારા સાયકલ યાત્રીનું સૌએ સ્વાગત કર્યું હતું. આ યુવાન અત્યાર સુધીમાં 10,300 કિલોમીટર અંતર કાપી ગઈકાલે સાંજે રાજકોટ પહોંચ્યો હતો, જ્યાં તેમણે દેશભરમાં 24,000 કિલોમીટર અંતર કાપવાનું સંકલ્પના વ્યક્ત કરી હતી. 9 મહિને હો ગયે મેરે કો ચલતે હુએ. હા, પર્યાવરણ સંરક્ષણ, પર્યાવરણ પ્રતિ લોકો જ્યાદા મોટિવેશન કરના. મેં ખુદને અભી તક 7 સાલ મેં 83,000 પૌધે લગાઈએ. 83,000 મેં થે 70% સક્સેસ હૈ. 70% સક્સેસ હોને કા રીઝન યે મેને સરકાર ડિપાર્ટમેન્ટ યા કો સાર્વજનિક જગહ ઉસકી લગાને સે પહેલે ઉસકી ઢૂંઢી જગહ અગર ઇસકી પૌધે કી સુરક્ષા હૈ યા નહીં હૈ, ઓ પાણી પિલાને વાલે જગહ હો, પ્લસ ચાર દિવારી હો તો પ્લસ કો ગેટ ભી ઢૂંઢાઓ, क्योंकि आवार पशु खा ना सके. इसका रीजन, सक्सेस होने का रीजन यही है. और राजस्थान का फर्स्ट काम दहेज प्रथा को मानते हुए मैंने बहन की शादी में दहेज में धन दौलत सब कुछ देते हैं लोग, लेकिन मेरे जिद पर मेरे मम्मी पापा के सहयोग से मैंने मेरे बहन की शादी में 200 एकड़ पौधे दिए थे और कुछ नहीं देता. मैं मानो भारतीयों को भी एक एक गिफ्ट के रूप में पौधा भेंट किया था. वो राजस्थान का फर्स्ट काम मेरा. इनके सिवा राजस्थान का राजू पशु चिंकारा हिरण 133 बच्चे, 4 मोर्चा, खरगोश, 1 नीलगाय, 1 बाज, 2 शिकारी को पकड़ाए, किसी जरूरतमंद व्यक्ति को 12 रक्तदान. इससे हमारी राइड का नाम रखा हमने शिपर बड़ी पैडल वर्ण. इस अभियान का नाम है शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण. मैं भीड़ वाली जगहों पर रोकता हूँ, पुलिस स्टेशन और प्राइमरी स्कूल में जाता हूँ, छोटे स्कूल में जहाँ पर छोटे बच्चे हो. जिस काम में छोटे बच्चे इंटरेस्टेड होते इतने बड़े नहीं होते. कहावत है ना कि कच्चा लोहा तो जीचा डाल सकते हैं, लेकिन पके हुए लोहे को तो डाल नहीं सकते, वो टूटेगा. तो उन बच्चों को मोटिवेशन करता हूँ, आप ज़्यादा पौधे लगाए, बड़ा पौधा होगा ये आपका होगा, तो जब आप बड़े होंगे, बुढ़े हो जाओगे, तब कहेंगे ये उसका पौधा, ये चिड़िया बैठती है, इसमें घोंसला बैठे. उनको पर्यावरण के प्रति मोटिवेशन करता हूँ. तो मैंने ज़्यादा उनको यही करता हूँ, अपने जन्मदिन पर कम से कम 2 पौधे ज़रूर लगाए. और जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में कम से कम 2 पौधे नहीं लगाए, उस मृतार्थियों को लकड़ी से जलने का कोई हक नहीं है. मेरा सपना है हरित भारत, आशीर्वाद भारत, मेरा भारत हरा भरा और खुशहाल हो. मेरी ये राइड 27 जनवरी एयरपोर्ट जम्मू से शुरू हुई थी. 27 जनवरी एयरपोर्ट जम्मू से शुरू होकर के हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश होते हुए गुजरात चल रही है. ये मेरा 10वां राज्य है. मैंने 10,840 किलोमीटर के लमसम हो गए किलोमीटर. मेरा टारगेट है 24,000 प्लस, जो पर्यावरण संरक्षण के विश्व के हिसाब से लंबी राइड है, जो गिनीज बुक द वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा. अभी तक 8 महीने और चलेंगे जी सर. हाँ, ज़्यादा जी तो ज़्यादा ज़्यादा पौधे लगाए और आने वाली भावी पीढ़ी को, और दिल्ली वाले हाल देख रहे हो, आने वाले भावी पीढ़ी को सुरक्षित रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाए, पौधों की कटाई ना करें. पर्यावरण संरक्षण में सबकी भागीदारी ज़रूरी है.